दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 775 डीसी मोटर को यूज करके एक हाई टॉर्क और हाई स्पीड आरसी कार। मजे की बात यह है कि इस कार में हमें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक सिस्टम मिलने वाला है, साथ ही हम इसे रिवर्स में भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही नहीं, ये आरसी कार ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों में ही गर्दा मचा देता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे चैनल में न्यू है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 12 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप से दो पीस कट किया है, जिसका लेंथ 27 सेंटीमीटर है। यह है 626ZZ बियरिंग और यह है बियरिंग माउंट। इसे मैंने 3D प्रिंटर से प्रिंट किया है, लेकिन आप इसे बाय कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। सबसे पहले तो हम बियरिंग को बियरिंग माउंट में फिक्स करते हैं। ऐसा मैंने दो बनाया है और अब हम इसे 27 सेंटीमीटर वाले पाइप में फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हम नट एंड बोल्ट्स का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने इस पाइप में बियरिंग माउंट को फिक्स किया है, ऐसे ही हमने दूसरे पाइप में भी बियरिंग माउंट को फिक्स कर लिया है। ये है एक नट जिसका अंदर का होल 6 mm है और ये है 60th एल्युमिनियम पुली और इसका अंदर का होल 6 mm है और ये है 6 mm हेक्सागन ब्रास कपलर। अब मैंने 6 mm एल्युमिनियम रॉड लिया है जिसका लेंथ 23 सेंटीमीटर है। अब हमें इस एल्युमिनियम रॉड के एंड में सबसे पहले नट लगाना है, फिर पुली लगाना है और उसके बाद कपलर लगाना है और इन सबको हमें अच्छे से टाइट कर लेना है। अब हमें इसे लेना है और इसके बियरिंग में हमें इस एल्युमिनियम रॉड को डाल लेना है। अब हमें इसी का दूसरा पीस लेना है और इसे भी हमें इस रॉड में डाल लेना है। अब हमें सेम राइट साइड जैसे ही लेफ्ट साइड में भी सबसे पहले नट लगाना है, फिर पुली लगाना है और फिर कपलर लगाना है और इन सबको भी अच्छे से टाइट कर लेना है। यह है 2 इंच का एल्युमिनियम लिपी और इस लिपी से मैंने इस शेप को कट किया है। इस लिपी के पीस को मैंने दो तरफ से बेंड करके यू शेप दिया है और इसमें मैंने कुछ ड्रिल किया है। ये है पुराने मोटर का 6 mm शाफ्ट और इस शाफ्ट को हम लगाएंगे इस बियरिंग में। अब हमें इस चीज को यहाँ लगाना है कुछ इस तरीके से। इसके ऊपर एक वॉशर लगाना है और फिर हमें मोटर कपलर लगाना है। ये कपलर फ्रीली मूव कर रहा है। सेम ऐसा ही हमने एक और बनाया है। अब हमें इन दोनों को आपस में जोड़ना है और इसके लिए मैंने 12 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप से दो पाइप कट किया है, जिसका लेंथ 16 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ 1.5 इंच का नट बोल्ट और वॉशर का यूज करके इन दोनों को आपस में अटैच कर रहा हूँ। हमें यहाँ नट को इतना ही टाइट करना है कि हमारा ये सिस्टम फ्रीली मूव करे। इन दोनों को हमने पाइप में अटैच कर लिया है। ये है एक पुराना इलेक्ट्रिक होल्डर और इस होल्डर से मैंने इस पार्ट को बाहर निकाल लिया है। इसे हमें दोनों तरफ यहाँ लगाना है। ये है स्पोक जो साइकिल व्हील के रिम में लगा होता है। इस स्पोक को हमें इन दोनों के बीच में लगाना है और इसे अच्छे से टाइट कर लेना है। स्पोक के एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। ये स्टीयरिंग बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। मैंने एक और माइका शीट कट किया है इस शेप में। इसे हमें यहाँ लगाना है। अभी मैं यहाँ पर 12 mm स्क्वायर एल्युमिनियम पाइप का दो पीस लगा रहा हूँ, जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इन सबको हमें वॉशर और नट से टाइट कर लेना है। ये है MG995 सर्वो मोटर। इसे हमें यहाँ पर फिक्स करना है। अब हमें यहाँ पर भी इसे लगाना है और स्पोक के हेल्प से हम सर्वो को स्टीयरिंग के साथ जोड़ देंगे।
अभी आप देख सकते हो कि सर्वो से हमारा स्टीयरिंग कैसा काम करेगा। अब हमें आगे वाले स्टीयरिंग को पीछे वाले एक्सल के साथ जोड़ लेना है और यहाँ भी मैं नट एंड बोल्ट्स का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, हर एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को एंड तक देखना। यह है 77524 वोल्ट डीसी मोटर और यह है 20 एल्युमिनियम पुली। इस पुली को हमें इस मोटर के शाफ्ट में लगाकर इसे एलन की से अच्छे से टाइट कर लेना है। यह है 1.5 इंच चौड़ा एल्युमिनियम लिपि और इस लिपि में मैंने कुछ ड्रिल किया है और इस लिपि के ऊपर हमें मोटर को रख करके एल्युमिनियम वायर के थ्रू इस मोटर को अच्छे से टाइट कर लेना है। दोनों एंड में हम दोनों मोटर को टाइट कर लेंगे और इस एल्युमिनियम लिपि को हमें यहाँ फिक्स करना है। यह है इन दोनों पुली का बेल्ट और इस बेल्ट की मदद से हम मोटर की पुली और शाफ्ट की पुली को जोड़ देंगे। इस बेल्ट को पुली में डाल लेने के बाद हमें इस लिपि को थोड़ा आगे करना है जिससे बेल्ट टाइट हो जाएगा। वैसे मैंने इसे कुछ इस तरीके से सेट किया है कि इस स्क्रू को हम जितना ज्यादा टाइट करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बेल्ट टाइट होगा और जितना ज्यादा हम इसे ढीला करेंगे उतना ही ज्यादा हमारा बेल्ट लूज होगा। ये मैंने एक सनबोर्ड का पीस कट किया है जिसे हम यहाँ पर लगाएंगे इसे कवर करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर हम इलेक्ट्रॉनिक्स फिट करेंगे। इस आरसी कार में हम 120 mm के रबर व्हील को लगाने वाले हैं क्योंकि इसे हम ऑन रोड और ऑफ रोड दोनों में ही चलाने वाले हैं। यह है स्मार्ट एलेक्स 30D मोटर कंट्रोलर और ये हमारे दोनों मोटर को कंट्रोल करेगा। अब हमें इस आरसी कार के दोनों मोटर का कनेक्शन इस डायग्राम को देखते हुए करना है। यहाँ मैंने दोनों मोटर का कनेक्शन करके दो वायर निकाल लिया है और ये हमारे कंट्रोलर के M1A और M1B के साथ कनेक्ट होगा। अब मैंने एक XT60 कनेक्टर लिया है और इस कनेक्टर को कंट्रोलर के B- और B+ के साथ कनेक्ट करना है। B- हमारा नेगेटिव टर्मिनल है और B+ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इस RC कार को हम रेडियो लिंक 89S प्रो रेडियो ट्रांसमीटर से कंट्रोल करने वाले हैं और ये है इसका रिसीवर। यह एक डुपॉन्ट केबल और इस केबल को हमें अपने रिसीवर के चैनल नंबर 2 के साथ कनेक्ट करना है और इसके बाद हमें इसे अपने RC कार में फिक्स कर लेना है। अब डुपॉन्ट केबल के दूसरे एंड को हमें कंट्रोलर के RC1 के साथ कनेक्ट करना है और हमने इस RC कार में जो सर्वो को यूज किया है उस सर्वो का कनेक्शन हम रिसीवर के चैनल नंबर 4 के साथ करेंगे। अभी मैं बैटरी को माउंट करने के लिए सनबोर्ड का एक छोटा सा पीस फेविक्विक की हेल्प से यहाँ पर चिपका रहा हूँ और इसी के नीचे से हम बैटरी बेल्ट लगाएंगे। इस RC कार में हम 11.1 वोल्ट 22,000 mAh का 2 लिपो बैटरी यूज कर रहे हैं। अब हम यहाँ बैटरी बेल्ट की मदद से बैटरी को फिक्स कर लेते हैं और इसी के साथ हमारे इस RC कार का मेकिंग कंप्लीट होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो कंट्रोलर है वो किसी कारण से खराब हो गया, तो हमने यहाँ पर दूसरा कंट्रोलर चेंज किया है और बैटरी भी हमने 6S के जगह 4S पे चेंज किया है क्योंकि ये कंट्रोलर 4S तक ही सपोर्ट करता है। तो अब देख लो, ये RC कार पूरा कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है और अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं।
दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों को थैंक्स। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है और ये आरसी कार पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। फिर मिलते हैं किसी न्यू प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, पुराने वीडियोस को देखते रहो।